हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 8 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किसने जोमैटो, स्विगी और डूंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा जोमैटो, स्विगी और डूंजो को सामानों की डिलीवरी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दिया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जोमैटो, स्विगी और डूंजो को सामानों की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस सभी कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, कौन सा पोर्ट ट्रस्ट है जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ये आपके सामने है जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 25 फरवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? दोस्तों, बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरके सिंह। दोस्तों, आरके सिंह ये आपके सामने हैं जिनके द्वारा बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, दोस्तों आरके सिंह जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। दोस्तों, आरके सिंह ने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले बिजली खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। रामविलास पासवान जो कि खाद्य मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान। दोस्तों, भारत और भूटान के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। तो दोस्तों, आइए यहाँ भूटान का बात आए तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान जिसका राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है भूटानीस नगुलट्रम और प्रधानमंत्री है लोटे श्रिंग। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जापान जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानीज येन इसका मुद्रा है, जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका मुद्रा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों, नेपाल देख लेते हैं। नेपाल जिसका राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। चलिए इतना जानकारी काफी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। दोस्तों, एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, कौन सा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने WHO पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन
ए सीड्स, दोस्तों एस डबल ई डी एस सीड्स एनजीओ है जिसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसने WHO पुरस्कार जीता है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बिहार और झारखंड में हुक्का, पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए एक गैर सरकारी संगठन सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी जिसे सीड्स कहा जाता है को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, सीड्स जिसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। आइए दोस्तों, यहाँ WHO का बात आया तो WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेड है टेड्रोस अधानोम और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो कि कहाँ शुरू हुआ है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये आपके सामने आ गया मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल और स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारह सिंगा, राजकीय पक्षी है दुधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और जिला है 50। उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का जबलपुर में। भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है जिनमें से सबसे ज्यादा है गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर, कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है और ऐसे तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के। आइए मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण जान लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव और फौजिल, पन्ना जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है बिहार जिसका राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। चलिए राजस्थान देख लेते हैं जिसका राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राजस्थान का राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, जिला है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है राजस्थान में। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये आपके सामने दोस्तों मध्य में मध्य प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ देखिए राजस्थान जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता ही है, गुजरात के साथ भी और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है राजस्थान। पंजाब के साथ भी, हरियाणा के साथ और दिल्ली के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान। और ये देखिए आपके सामने है बिहार, तो दोस्तों बिहार जो है नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा बनाता है, झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टाग्राम से अकेले 18 करोड़ रुपये कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम से अकेले 18 करोड़ रुपये कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये आपके सामने है जो कि इंस्टाग्राम से अकेले 18 करोड़ रुपए कमा करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमाने वाले पहले स्थान पर व्यक्ति हैं। दोस्तों आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यूवेंट्स के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम से अकेले
करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर हैं, जबकि भारतीय टीम के विराट कोहली छठे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 3 स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपए कमाए हैं और छठे स्थान पर हैं विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, इस वर्ष के लिए किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन किसने रद्द किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन को रद्द कर दिया है इस वर्ष के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ बीसीसीआई और आईसीसी का बात आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी है जय शाह। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और वाइस प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा। बीसीसीआई का स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 को और वोमेन्स कोच है डब्ल्यू बी रमन। आइए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और चेयरपर्सन है शशांक मनोहर और हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब इमीरात में, और सीईओ है मनु साहनी। और स्थापना किया गया था 15 जुलाई 1909 को आईसीसी का, और मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? दोस्तों, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। दोस्तों, टोटल 8 इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 100 में शामिल हुए हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत के कुल 8 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के 8वें संस्करण में बुधवार को 30 देशों और क्षेत्रों के 489 संस्थानों के को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 56 भारतीय संस्थान शामिल हैं। टोटल 489 में 56 भारतीय संस्थान शामिल हैं जो योग्य हैं। 2019 से 7 की वृद्धि, शीर्ष 100 में 8 के स्थान हैं। दोस्तों, 2007 में टोटल टॉप 100 में 7 इंस्टीट्यूट भारतीय थे और 2020 में टॉप 100 में 8 इंस्टीट्यूट आ गए हैं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप स्थान पर रहा है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 36वें स्थान पर है। दोस्तों, तो दोस्तों, ग्लोबल रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो स्थित है वो 36वें स्थान पर है और भारतीय में टॉप पे है। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना को किस क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल क्रिकेट टीम। दोस्तों, टीनू योहाना ये आपके सामने है जो कि पूर्व तेज गेंदबाज हैं और इन्हें केरल क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व भारतीय त्वरित टीनू योहानन को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक सामान्य निकाय की बैठक के दौरान निर्णय लेने के बाद घोषित केरल के सीनियर पुरुष टीम KCA केरल क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहां सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।